बनकर रणबीर कपूर ने मारा तो कंगना रनौत ने दुनिया को सुना डाला। एनिमल रणबीर जहां सोशल मीडिया पर छाए तो कंगना रनौत की निकली आय हाय। क्या सचमुच एनिमल बनकर रणबीर कपूर ने कंगना को धोड़ाला? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। भाई अभी कुछ ही घंटों पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का प्री टीजर रिलीज हो चुका है और ये टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जी हाँ, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर हर कहीं ट्रेंड कर रहा है। हर कहीं सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर ही छाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म के प्री टीजर की ही बात हो रही है और लगता है कि यही बात अब कंगना रनौत को बहुत बुरी तरह से चुभ गई है। तभी तो जब एनिमल बनकर रणबीर कपूर ने मारा तो कंगना रनौत ने पूरी दुनिया को सुना डाला। क्या है खबर वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रणबीर कपूर की जिस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, उस फिल्म का अब प्री टीजर यानी एनिमल का प्री टीजर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, अभी कुछ ही घंटे पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का प्री टीजर रिलीज कर दिया गया है और ये टीजर क्या धमाकेदार है। भाई अगर आपने अभी तक ये टीजर नहीं देखा है तो आपको ये टीजर देखना चाहिए। भले ही ये टीजर कुछ सेकंड्स का है लेकिन इसमें रणबीर कपूर बवाल मचा रहे हैं। रणबीर कपूर जो एक्शन कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि बाहुबली, KGF सब फेल हो जाएंगी। यकीन नहीं आता तो आपको ये टीजर देखने की जरूरत है, क्योंकि भले ही ये टीजर कुछ सेकंड्स का हो लेकिन इस पूरे के पूरे टीजर में गाना चलता हुआ सुनाई दे रहा है और साथ ही इसमें रणबीर कपूर मास्क पहने हुए दुश्मनों की छुट्टी कर रहे हैं, वो भी कुल्हाड़ी के साथ। जी हाँ, कुल्हाड़ी पकड़े रणबीर कपूर इस टीजर में अपने तमाम दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर का लुक बहुत ही गंभीर लग रहा है जिसे देख कर आपके भी आई एम श्योर पसीने छूट जाएंगे। इस टीजर के बैकग्राउंड में जहां एक तरफ रणबीर कपूर दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सिंगर भूपेंद्र बब्बल गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो जहां मार धाड़ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन के पीछे यानी बैकग्राउंड में एक गाना आपको सुनाई देगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को खास बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी पर काम किया है और साथ ही इस फिल्म के लिए अपने लुक्स पर भी रणबीर ने काफी मेहनत की है, जो कि इस फिल्म के टीजर पर दिखाई भी दे रही है। जी हाँ, पहली बार रणबीर कपूर डायरेक्टर संदीप रेड्डी के साथ काम कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वही डायरेक्टर है जो अब तक अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दे चुके हैं। गोल्डन कलर का मास्क पहने कुछ लोग रणबीर कपूर पर इस फिल्म के टीजर में अटैक करते दिख रहे हैं, जिस पर रणबीर कपूर यानी आप मान सकते हैं कि दुश्मनों की फौज पर रणबीर कपूर अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। भाई जब दुश्मनों की बात हो ही रही है तो हम कंगना रनौत को कैसे भूल सकते हैं। रणबीर कपूर की दुश्मन नंबर वन कंगना रनौत भी आज चुप बैठने वाली नहीं है। कंगना रनौत ये बात अच्छे से जानती थी कि आज यानी कि संडे वाले दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का प्री टीजर रिलीज होगा, इसलिए रणबीर कपूर के खिलाफ कंगना रनौत मैडम ने भी इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कंगना रनौत ने खुले तौर पर साफ तौर पर रणबीर कपूर को सफेद चूहा कहा है। दरअसल कंगना रनौत ने इस पोस्ट में लिखा है कि उन्हें पता चला है कि बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर रामायण फिल्म में राम का किरदार निभाने वाला है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर ऐसी फिल्में हैं कि वो जल्द ही एक डायरेक्टर की फिल्म में राम और सीता का किरदार निभाते नजर आएंगे। अब कंगना रनौत ने इसी पर चुटकी ली है। जी हाँ, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की है और स्टोरी में कंगना रनौत ने साफ कहा है कि आजकल के हीरो को हो क्या गया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत बहुत स्मार्ट है। कंगना रनौत ने अपनी स्टोरी में किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन कंगना रनौत ने साफ कहा कि वो एक बड़ा एक्टर है जो अब जल्द ही राम बनने वाला है। कंगना रनौत ने बोला कि ये तो एक ऐसा एक्टर है जो जब देखो औरतों के साथ घिरा रहता है, जब देखो औरतों से फ्लर्ट करता रहता है, ऐसा इंसान भला राम का किरदार कैसे निभा सकता है। कंगना यही नहीं रुकी, कंगना ने रणबीर कपूर को सफेद चूहा तक कह डाला। कंगना ने ये तक कह डाला कि ये उन एक्टर्स में से एक है जिनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है और वो खुद को उस फिल्म में शिवजी यानी भगवान का रूप दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाते हैं। कंगना रनौत यहाँ फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात कर रही है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में कहीं ना कहीं रणबीर कपूर शिवजी के किरदार में नजर आए थे, इसीलिए कंगना रनौत ने बिना रणबीर का नाम लिए हुए उनकी इसी फिल्म पर चुटकी ली है। और साथ ही कंगना ने ये भी कहा है कि जो इंसान इतनी सारी महिलाओं के साथ अफेयर में रहा उसे राम का किरदार नहीं निभाना चाहिए और ना ही उन्हें इस तरह की फिल्म की कल्पना करनी चाहिए। फिलहाल आज तो ये मानना ही पड़ेगा कि रणबीर कपूर ने बाजी मार ली है, क्योंकि रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म एनिमल के टीजर से हर किसी को हैरान कर दिया है। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी ही नई नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात करते रहें।